दादरा नगर हवेली के दादरा विस्तार में पुलिस ने छापेमारी कर एक राशन दुकान से गुटखा एवं तंबाकू पकड़ा है। पुलिस ने इसकी जानकारी खाद्य विभाग को दी, जिस पर खाद्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई। उल्लेखनीय है कि दादरा नगर हवेली जिला समाहर्ता द्वारा समय समय पर एक आदेश जारी किया जाता है, जिसमें यह उल्लेखित किया जाता है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थानों के आसपास के दुकानों में गुटखा एवं तंबाकू नहीं बेचने का आदेश दिया जाता है। इसी प्रकार से दादरा के देमणी रोड पर स्थित प्राइमरी स्कूल के पीछे एक किराना दुकान पर गुटखा एवं तंबाकू बेचे जाने की बात प्रिंसिपल को पता चली, तब उन्होंने इस बारे में पत्र लिखकर पुलिस विभाग को सूचित किया, जिसके बाद शनिवार शाम को दादरा पुलिस थाना प्रभारी PI मनोज पटेल के साथ पुलिस कर्मी नयन राठौर एवं पुलिस टीम ने उक्त दुकान में छापेमारी की, जहां से पुलिस ने करीबन 20,000 रुपए का गुटखा एवं तंबाकू जब्त किया। इसके बाद इसकी सूचना तुरंत ही खाद्य विभाग की अधिकारी प्रीति ठाकुर को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर प्रीति ठाकुर, अल्पेश अहिर एवं रमेश रोहित पहुंचे और गुटखा एवं तंबाकू को जब्त कर आगे की जांच कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने अन्य कई दुकानों पर भी जांच कार्रवाई की थी। इस बारे में PI मनोज पटेल ने बताया कि आगे भी इस प्रकार की कार्यवाही जारी रहेगी।